चरित्रों से भरपूर है सागर की ये कथा। जगत में जे कई सावर जंगम वस्तु के प्राणी मात्र कहवाय छे तेने भगवान नियम में चलावे छे। भगवानी नियमन करवानी जे शक्ति छे ते अणु अणु में व्यापीने रही छे, एटले बधाने जड़बे सलाक कंट्रोल में राखे। पोपा बहनु राज नहीं, आई कशुं स्वतंत्र नहीं, बधुं नाथेलू छे, छूटू काई नथी। भगवानी नियमन करवानी शक्ति नियामक शक्ति छे, ते परमेश्वरनुं अंतर्यामी एवुं नाम छे। नियामक शक्तिवाला परमेश्वर, तेमना सामर्थ्यनो तो कोई पार नथी। ते परमेश्वर सतत एक रूप रह्या होवा छता अनंत रूपोने प्रकाशित करे छे। पोताना अक्षरधाममां भगवान श्री हरि एक ज रूपे मुक्तो ने दर्शन देता थका तखत में बिराजे छे, परंतु ये भगवान में एवी कला छे, एवी सामर्थ्य छे, त्यां एक जगह एक रूपे रह्या होवा छता अनेक जगह अनेक रूपे सतत देखाई शके, रही शके। वण देखाय एमय रही शके, देखो एमय रही शके। ज्यां जेवुं कार्य होय त्यां तेवुं रूप धरीने देखाय ने तेवुं काम करे। परमेश्वरनुं जेवुं मूल रूप कहेवाय छे ते तेवाने तेवा ज रूपे प्रगट पण थाय छे। कमाल की बात है, परमेश्वरनुं सनातन जे मूल रूप छे तेनो तेवो त्याग करता नथी। ज्यां जेवुं सामर्थ्य प्रगट करवानी जरूर जणाय त्यां तेवुं सामर्थ्य प्रगट करे छे बीजू रूप लईने, परंतु मूल रूप छे ये ज आ छे, आ छे ये ज मूल छे। आ बधी अलौकिक वात छे। અક્ષર આદિકને અને મુક્તોને પણ પરમેશ્વરનું સામર્થ્ય કળામાં આવતું નથી, તો હું તમે કોણ કે ભગવાનની આ બધી કળાને યોગમાયા લીલા સમજી શકીએ? જેટલું તેમને જણાવે ને અક્ષરાદિકને એટલું જ તેઓ જાણે છે, માટે આપણને પણ ભગવાન જેટલું એમના બારામાં જણાવે એટલું જ જણાય, બાકીનું જય સ્વામિનારાયણ, કશી ખબર પડે નહીં ગમે એવા બુદ્ધિશાળી ને હોશિયાર હોઈએ તોય।